नमस्कार साथियों, सत्यादी शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप लोगों का मैं अनिल शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुगलकालीन मकबरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मुगलकालीन मकबरों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के मकबरे से। आइए देखते हैं बाबर के मकबरे के बारे में विस्तृत जानकारी। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी और इन्हें आगरा में ही दफनाया गया था, परंतु मरने से पहले बाबर ने इच्छा जाहिर की थी कि उनका मकबरा काबुल में बनाया जाए। बाबर की इच्छानुसार ही बाबर के मरने के कुछ साल बाद उनका मकबरा काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, में बनवाया गया। इस मकबरे को बागे बाबर के नाम से जाना जाता है, जो कि काबुल में पर्यटन का एक केंद्र है। बाबर के पुत्र हुमायूं अगले मुगल शासक बने थे। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में दीने पनाह अर्थात पुराने किले के निकट स्थित है। यह इमारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भारत में मुगल वास्तुकला का ये प्रथम उदाहरण है। यह मकबरा उसी चारबाग शैली में निर्मित है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा हमीदा मानो बेगम के कहे अनुसार बनवाया गया था। चारबाग शैली के उद्यान में इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे या इस तरह का चारबाग शैली में कोई अन्य मकबरा पहले नहीं बना था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अगला मकबरा हम देखने जा रहे हैं शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में सासाराम नामक स्थान पर बना है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तालाब के बीचों बीच डमरू के आकार का ये एक सुंदर मकबरा है जिसका निर्माण कार्य अपने जीते जी शेरशाह सूरी ने प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसका निर्माण कार्य पूर्ण शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी के मकबरे के बाद आइए अब जानते हैं हम अकबर के मकबरे के बारे में। अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा नामक स्थान पर है। इसका निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध तथा जैन कला का एक सर्वोत्तम मिश्रण है। इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। 5 मंजिला इस मकबरे की खूबसूरती आज भी बरकरार है। अकबर के मकबरे के बाद आइए अब जानते हैं एतमादुल्ला के मकबरे के बारे में। एतमादुल्ला या गयास बेग नूरजहां के पिता तथा अकबर के दरबारी थे। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने ही आगरा में बनवाया था। मुगल काल के अन्य मकबरों से यह अपेक्षाकृत छोटा मकबरा है। इस मकबरे में ही पहली बार पित्राड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। पित्राड्यूरा शैली एक ऐसी पद्धति है जिसमें पत्थर पर रत्न या जवाहरात जड़ने का काम किया जाता है। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं अकबर के पुत्र अगले मुगल शासक जहांगीर के मकबरे के बारे में। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां की योजना के अनुसार उनके पुत्र शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। रावी नदी के तट के करीब इस एक मंजिला इमारत का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्षों में पूर्ण हुआ था। जहांगीर के पश्चात
अगले मुगल शासक बने थे शाहजहां। शाहजहां का मकबरा भारत में मुगलकालीन स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां का उनकी पत्नी मुमताज के प्रति प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज की याद में करवाया था। 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, जो कि लगातार 22 वर्षों तक चलता रहा। ताजमहल का निर्माण कार्य 1653 में पूर्ण हुआ, जिसके प्रमुख वास्तुकार अहमद लाहौरी हुआ करते थे। लंबाई तथा चौड़ाई में एक समान यह इमारत पूर्णतः संगमरमर के द्वारा निर्मित है। आगरा में स्थित यमुना नदी के समीप ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां का भी मकबरा है। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब अगले मुगल शासक हुए थे, जिनकी सबसे प्रिय पत्नी दिलराज बानो बेगम थी, जिन्हें औरंगजेब प्यार से रबिया कहकर बुलाता था। रबिया ने मरने से पहले ताजमहल के ही समान अपने मकबरे की इच्छा औरंगजेब के समक्ष रखी थी। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए औरंगजेब ने रबिया का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, परंतु ये मकबरा ताजमहल के समान सुंदर नहीं बन पाया। यही कारण है कि रबिया या बीवी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल और ताजमहल का पश्चगामी कहा जाता है। अब अंत में बात कर लेते हैं अंतिम मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे की। कहा जाता है कि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ था और महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसकी मौत 1707 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले में ही खुल्दाबाद नामक स्थान पर बनाया गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो आगे भी मैं अनिल शर्मा आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद साथियों।